दोस्तों इस टाइम मैं आ गई हूँ टेरिस पर। ये देख सकते हैं आप, गोरी बहुत प्यारा बच्चा है। गोरी को देख लीजिए, मैंने किस तरह से रोटी खिलाई है और उसने रोटी खाई भी है। और किट्टू सो रही है घर के अंदर, गोरी घर के बाहर है। और आज मैंने बनाई है तोरी और आज है बुधवार। डेली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और मैं अब आपके पास आ गई हूँ बात करने के लिए। गोरी बिल्कुल शांत सीढ़ियों में हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता और एक्टिव है प्रॉपर। आपने देखा है किस तरह से उसने रोटी खाई है, ब्रेड खाई है और उसको मालूम है। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल एक फिल्म वाला सीन ही हो गया कि जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि जब जैसे ही कोई हमें मारने के लिए आता है, फिल्मों में गुंडे वगैरह मारने आते हैं तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं जिससे कि वो गुंडा हमें देख ना पाए और हमारी जान बच जाए। ठीक है, तो इसी तरह से गोरी है। जब गोरी सीढ़ियों में बैठता है, नीचे आंगन में बैठता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, जब भी वो बैठता है, गोरी किट्टू जितने भी हमारे डॉग्स हैं, जितने भी बच्चे हैं हमारे, सब लोग बैठते हैं जब भी, अपने आप को वो बचा करके छुपा करके बैठते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने शोर किया, जैसे गुंडे फिल्मों में करते हैं ना कि जैसे ही हमने शोर किया तो गुंडे हमें मार देंगे और हमारी जान चली जाएगी, तो सबको अपनी जान प्यारी होती है। गोरी को अपनी जान बहुत प्यारी है और जान बहुत कीमती है। काफ़ी सारे लोग गलत हरकतें कर लेते हैं अपनी जान के साथ, सुसाइड वगैरह करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं करनी चाहिए। और जानवरों को भी अपनी जान बहुत प्यारी है, वो भी बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है उनको खुद को कैसे सेफ करना है। इसीलिए गोरी कुछ भी नहीं बोलता। अगर उसने आवाज़ निकाली तो क्या होगा कि सभी लोगों को पता चल जाएगा अड़ोस पड़ोस में कि गोरी बैठा हुआ है, और आवाज़ निकालने से पता चल जाएगा तो उसको क्या होगा कि बाहर धूप में सड़ना पड़ेगा। तो धूप इतनी तेज़ है दिल्ली के अंदर, 45 डिग्री है इस टाइम टेम्परेचर जो है, और बहुत बुरे हालात हैं दिल्ली के। और कपड़े तो पहनते ही फिर से पसीने में गीले गीले हो जाते हैं, जैसे हम लोग नहा के आते हैं तो नहाने के बाद कपड़े पहनो और कपड़े बिल्कुल पसीने से बिल्कुल गीले हो जाते हैं। हम घर के काम भी करने हैं, आपने देखा मैंने तोरी बनाई है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपसे बात करने के लिए आ गई हूँ। एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है जिसका नाम है, टाइटल है जिसका एसी आम डॉग का, और आम डॉग वाला एसी मतलब कि डॉग के लिए जो एसी है वो उसमें दिखाया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, राजू नाली में फंस गया और गोलगप्पे वाला डॉगी और अग्रेसिव वुमेन। अग्रेसिव वुमेन आप लोग देखते नहीं हो, ढोंगी बाबा आया पाकिस्तान से, बहुत सारे हजारों वीडियो मेरे को लगता है यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा वीडियो 3 साल के अंदर मैंने अपलोड किए हैं, उसके बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली है और ये मेरे लिए बहुत गलत बात है। देखा जाए तो एक तरह से स्टोरेज ही हो रही है। ये देखिए देखिए कैसे हिल रहा है वो, ये देखिए इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, सी हिल रहा है, ये देखो। ये मुंबई में भी बहुत सारे इस तरह के लगे हुए हैं कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे होती है ना आपको इस तरह के, जब भारी मात्रा में जब कंस्ट्रक्शन होते हैं तो आपको इस तरह के सी दिखाई देंगे। काम चल रहा है, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए।
रात को ना इसके अंदर लाइटें जल जाती हैं, इसमें लाइट लगी हुई है प्रॉपर, और बहुत भारी मात्रा में, मतलब हैवी लाइटें लगी हुई हैं, बहुत हैवी ब्रांड की, जैसे फिलिप्स की हो गई, तो इस तरह की लाइटें इसमें, सोनी फिलिप्स इस तरह की जो हैवी लाइटें होती हैं, ये सब लाइटें इसमें लगी हुई होती हैं हैवी। तो ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं। तो आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और मैंने किट्टू को भी ब्रेकफास्ट दे दिया, गोरी को भी कर दिया है, खाना दे दिया है, ब्रेड रोटी सब दे दिया उसको, और वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएगा, क्योंकि अगर उसको रिलैक्स होके बैठना, क्योंकि रात को ना ये लोग सड़क पे सोते हैं, सड़क पे रहते हैं, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या, चूहें, इतने सारे चूहे हैं हमारे आसपास, बहुत सारे, पार्क है, मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर के आसपास, तो चूहे इतने ज़्यादा मात्रा में हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े चूहे, हाफ के जी के बहुत ज़्यादा संख्या में चूहे हैं, जो कि रात को परेशान करते हैं, खाना ढूंढने के लिए चूहे रात को निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रीट डॉग को, देसी डॉग को फेस करनी पड़ती है, इंडी डॉग को फेस करनी पड़ती है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे जो भी वीडियो आपके पास पहुँचाना होता है, दिखता है भाई हाँ भाई ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, मैं वही चीज़ें कैचअप करती हूँ जो कि आपको दिखानी है, बाकी सब मैं अपने उसमें से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है छोटा सा फ़ोन है, ब्रांडेड नहीं है, और इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से मेरे को काफ़ी सारे वीडियो जो मैं अपलोड भी कर देती हूँ, अपलोड करने के बाद उसमें एक भी व्यूज़ नहीं आता तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। कहते हैं कि यूट्यूब पर जो भी आपने वीडियो डाला तो उसको डिलीट मत करो, और सबसे बड़ी बात यह कि आप कॉपी मत करो। मैंने कभी कोई भी वीडियो में कॉपी नहीं किया, किसी का नाम ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, किसी का वीडियो अपने उसमें नहीं लिया है, कोई भी फ़ोटो वगैरह किसी और की मैंने अपने उसमें नहीं लिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा